डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी औरिजिन ऑफ सोशोलॉजी एंड पॉजिटिविज़म जब हम पॉजिटिवज़म की बात करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं चीज़ों को देखने के एक ख़ास अंदाज की बात करते हैं ख़ास तौर पर माशरे के अंदर होने वाले वाक़ात के हवाले से तो एक नाम जो है जिसको हम मनसूख कर सकते हैं इसके औरजिन के साथ वो ऑगस् कॉम्ट का है ऑगस् कॉम्ट वाज आ फ्रेंच थिंकर वॉज बोर्न इन सेवनटीन नाइन्टी एट सेवनटीन नाइनटी एट और एट दफ़ देंचुरी वॉज अ पीरियड की जिसके अंदर एक ऐसी क्याटिक सिचुएशन थी फ्रांस में सेवनटीन ऐटी नाइन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसके बाद एक ऐसा सिविल वॉर स्टार्ट हो गई उस सिविल वॉर के नतीजे में मुशरे का जो एक ट्रडिशनल वे था एक ट्रेडिशनल सिस्टम था वो सारा धर्म भरम हो चुका था और माशरे में नए सिस्टम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही थी तो ये एक ऐसे अगस्त कॉम्प्ट एक ऐसे पीरियड के अंदर पैदा हुए जिसमें में माशरे के अंदर बहुत से पोलिटिकल सोशल और साइकोलॉजिकल मसाइल मौजूद थे सो ही इज़ नाउन टू बी द फ़ादर ऑफ़ सोशोलॉजी एंड ही बिलीव दैट सोशोलॉजी कुड भी यूज टू इम्प्रूव द सोसाइटी एंड सॉल्व इट्स सोशल प्रॉब्लम्स कैसे सोशियोलॉजी जो है वो इन मसाइल से नबरद आजमा हो सकती है उसके लिए आगस्ट काम्प ने जो है एक ऐसा रोड मैप दिया जिसमें सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जो है सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हम अपने इन मसाइल को अपने गिद्ध के मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकते थे सो कॉम्प डिवेलप्ड

मुख्तलिफ इल्हामी किताबें हैं आ, अगर हम यूरोप की बात करें टिपिकली तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियनिटी थी वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर होता था राइट और रॉन्ग की डेफिनेशंस जो हैं वो भी वहीं से ड्राइव हो रही थी हाँ अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस अंदाज से देख सकते हैं वो भी उसी सोर्स ऑफ नॉलेज से आ रहा था तो आगस्ट कॉम्प ने इस हवाले से जब ये देखा कि जो नेचुरल साइंसिस हैं वो जिस तरह से मुशरे के अंदर प्रोग्रेस कर रही हैं डिफरेंट इन्वेंशन दे रही हैं इनोवेशन प्रोवाइड कर रही हैं तो वाई नाट वैन इट कम्स टू द दैन इट कम्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर सो वाई नाट अप्लाइंग दि सेम मैथड्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर सो ही बिलीव दैट सोशोलॉजी शुड भी बेस्ड ऑन ऑब्जरवेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड दिसिस ऑफ सोशल फैक्ट्स सिर्फ ये ना हो कि हमारे जहन में जिस चीज़ के हवाले से इतकाद है बिलीफ है हमारी पर्सनलाइज ओपिनियन है, बाइसेस हैं हम उन्हीं चीज़ों को सही समझें बल्कि हम हमारा चीज़ों को इर्द गिर्द के माहौल को और अपने लोगों को देखने का उनके रवैयों को देखने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और ऑब्ज़रवेशन के थ्रू उन रवैयों को अंडरस्टैंड कर पाएँ और इसका बेनिफिट या फ़ायदा ये होगा चूँकि माशरे जो हैं वो क्याटिक सिचुएशन में आगस् कॉम की एग्जाम्शन ये थी कि माशरे क्याटिक सिचुएशन के अंदर जो है एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के ज़रिए पड़े हैं इस प्रोसेस के अंदर इंसान की जो एक इर्तका है उसकी थिंकिंग का जो इर्तिका है उसमें पहले जो है वो स्यारों सितारों के ऊपर जो है ईमान रखता था एतकाद रखता था चीज़ों को जिन जिस चीज़ को देखता था उसके हवाले से एक एतक़ाद जो है वो डेवलप कर लेता था इंसान आहिस्ता आहस्ता जो है फिर वो रैशनालाइज थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर आया और रैशनलाइज थिंकिंग प्रोसेस के अंदर भी जो उसकी ऑब्ज़रवेशनस थी वो सिस्टमेटिक नहीं थी जो अब मॉडर्न इरा है आफ्टर द पर्टिकुलरली आफ्टर द सेवनटीन सेंचुरी इसके अंदर उसका ख़्याल ये था कि ये साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन की बेस के ऊपर होना चाहिए हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज जो है ये सिस्टमेटिक होना चाहिए सो ही बिलीव दैट सोशोलॉजी कुड प्रोवाइड आ साइंटिफिक बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन बिहेवियर तो अल्टीमेट गोल जो है वो यही था कि हम सोसाइटी या माशरे में बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं तो बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले इंसानी रवैये को और इंसानों के आपस के तलक़ा को हमें समझना पड़ेगा लोग एक, एक दूसरे के साथ झगड़े क्यों करते हैं वायलेंस क्यों कमिट करते हैं आपस में मुसाबकत क्यों रखते हैं वाई दे आर इन टू अ टिपिकल कम्पिटीशन टू ईच अदर वाई देर इज़ आ गैप बिटवीन वट शुड बी अचीवड एंड वट इज़ बीग अचीवड सो